ये कह रहे हैं कि मेरी आंखें बहुत छोटी हैं। मैंने इनसे अच्छा पूछा था हंसते वक्त, ये इनकी आंखें बहुत छोटी हो जाती हैं। ये देख, अरे भाई आप कोई बात करने जा अक्सर ये रहे ऐसा हैं। होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके मुंह पर सूरज की रोशनी पड़ी होती है। अरे भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता उस वक्त क्या हुआ था। आपको पता होना चाहिए पागल। अच्छा। तो गाइस हम आ गए हैं कोरोना टेस्ट कराने, शाइबे बैठे हैं। अभी यहाँ पे शाइबे का कोरोना टेस्ट होगा और अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या होता है इनके साथ। इनके जो दर्द होगी वो सारा भी दिखाऊंगा, सारी दर्दें दिखाऊंगा, सारे बदले उतारने मैंने। अभी थोड़ी देर वेट करें, आपको दिखाता हूँ। शाइबे ये आपका माँ। सो व्हाट यू डू, लोगों को समझ नहीं आएगी क्या करता रह जा। एंजॉय नहीं, आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे करने हैं। तो गाइस ये यहाँ पे करा के ना ब्लॉग में कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम अपनी तरह से ब्लॉग ये यहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाने आए हैं, ठीक है। तो मैंने इनको कहा बिल्कुल डर दी होगी ज्यादा नाक के अंदर, यूं घर के कुछ लेके तो अरे आए थे, आपको दिखाएंगे अभी। ये मक्खियाँ मार रहे हैं, देखिए। जो करना कर लेते पहले, मैंने बाद में कुछ करने के काबिल नहीं। जल्दी से आप वो सब्सक्राइबर्स पूरे करें और ये जा रहे हैं कोरोना टेस्ट कराने। मैंने तुम्हारा कैमरा तोड़ देना, ठीक है। सीधी बात है भाईजान, आपने प्लीज भाई जान दो से खेल दी। भाईजान बस आपने ना देखे शील पहन रहे हैं, इनके अगर खून निकला तो आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक मैं रेडी नहीं हो अभी। हाँ जी, भाई बहुत दर्द होता है भाई, नहीं कराना मैं अभी बता रहा हूँ भाई, बहुत दर्द हुआ था भाई, कुछ समाने का काम नहीं करना, बस सीख लिया भाई, मत जा अंदर भाई, बहुत दर्द खुद बनाओगे, शुगर तुम पे बैन है, सॉल्ट तुम पे बैन है, रोज सुबह उठ के अली भाई को नहलाना, रोज सुबह उठ के अपना मैट्रेस खुद सही करना, किसी से पानी नहीं मांगना, खुद उठ के पीना और घर में सबको पिलाना। मुझे नहाने का कितना टाइम मिलेगा? 3.5 मिनट। 3.5 मिनट तो मैं नहाने का टाइम है जो गर्म पानी वाला है, उसके बाद अगले 1 मिनट तक सब ठंडा पानी आ जाएगा और वो भी 1 मिनट तक रहेगा। अगर तुमने उसी में मजे लेना शुरू कर दिया तो वो भी एक मजा आएगा। तो 1 मिनट तक और ठंडा पानी आएगा, यानी 4.5 मिनट तुम्हारे पास है, तुमने जिस्म का हर एक हिस्सा धोना है। मैं देखूंगा, खुद आके कंफर्म करूंगा, यानी के टांगों की उंगलियों से लेकर यानी के हर चीजों को, यानी के समझ लो अकलमंद इंसान, सिर्फ आगे नहीं पीछे भी। क्यों मुझे दर्द हुआ और तुम बहुत हंसे हो, और अब ये गलत बात है, ये नाजायज फायदा उठाया तुमने मेरी दर्द का, अब तुम अपना कोरोना टेस्ट करो और मैं घुसवाऊंगा तेरे नाक में, मैं कहूंगा बड़ा वाला डंडा घुसाए इसके नाक में यार, ब्रो उसके आगे चाकू लगा हुआ था पता है, मैं सीरियस होता ब्रो उसके आगे, सीरियस आई थिंक आई हैव अ फीलिंग उसके आगे ना थोड़ा सा वो कटर लगा हुआ था, वो काट के आगे निकलते क्या है भाई, उसके आगे ना थोड़ा सा कटर लगा हुआ था, वो काट के अंदर जा रहा था।
मुझे लग रहा था यूं जाके ना वो यहाँ से ना यहाँ से बाहर निकल आएगा इधर से सर के पीछे से मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ हटता दिमाग तक गया जट दिमाग पे चला गया था सो फाइनली यू आर गोन अच्छा ये सोचते थे तुम्हें जाते जाते असलियत दिखाएगा पगला वैसे मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बोला है इसका मतलब बोला कि आखिरकार शुक्र है आप जा रहे हैं नहीं नहीं मैं शुक्र नहीं बोला थैंक्स ही बोला मैंने भी तो शायद भाई जा रहे हैं वैसे मुझे इतना बेइज्जत करते थे इस चीज़ पे कि गंद इतना डालते हो खुद देखेंगे देखेंगे कब बैठ हालत ये इनके बैग बाकी बैग इनके बाहर रख दिए और ये जा रहे हैं वी विल मिस यू शाबी जाफरी तो शायद भाई आप जा रहे हैं मिस करेंगे मुझे शायद बिल्कुल थोड़ा बहुत कर लेंगे मेरे दिमाग में ऐसा शुरू से ही ख्याल आते हैं शैबी आखिरकार एक ही एक आपका बेस्ट फ्रेंड है उसी से मिलने जा रहा हूँ मैं कनाडा तो बेस्ट फ्रेंड से कौन ठीक है कैसे कर लेते हैं अच्छा मैं अगर जेलसी फैक्टर आ जाएगा बीच में अगर टीके का नाम दिया पहले यार मैं कुछ भूल गया तूने ब्लॉगिंग करना शुरू किया तो मैं कब से कमरे में घूम रहा हूँ कुछ ना कुछ मुझे मैं भूल रहा हूँ नो ये शेफी आप कैमरे में प्यारे लग रहे हो सुनने लग रही है वैसे भी आईफोन 12 सॉरी बस पिछली दफा मुझे बहुत दुख हुआ था आपके जाने के दफा आईफोन की खुशी इतनी है वैसे नहीं शेफी आप जा रहे हैं शेफी तो सीने आ जाओ पॉकेट ओहो पॉकेट के ओहो पॉकेट के भाई शायद भाई जा रहे हैं क्या करूंगा मैं खैर से जाएं भाई नहीं आप दुबई जा रहे हो तुम जाओ घर आराम करो जाके यू आर सो मीन ब्रो मैं क्या कह रहा हूं स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट तो बता दो मुझे शायद भाई जैसे ही इज सो बैड स्क्रिप्ट क्या थी हमें स्क्रिप्ट क्या मतलब क्या थी अपनी लाइन मैंने हमेशा हमेशा तू कहता है कि शायद मैं कैमरा ऑन करने लगूं आपने ये कहना अल्लाह मैं कसम खाने के लिए जाऊँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अच्छा भाव सुने आप दुबई जा रही हैं वहाँ जा रहे हैं मैं कहाँ जाऊँ मर जाऊँ मेरी लाइन यही है ना मेरी लाइन यही हमारी लाइन है कि नहीं मरने की कोई जरूरत नहीं मर जाओ कोई जरूरत नहीं जिंदा रहने की अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अली भाई क्या हुआ अली भाई क्या हुआ अल्लाह हाफिज़ अली भाई हंस क्यों रहे हैं मैंने फिर चॉकलेट खाने ला पड़ना भाई ठीक रहोगे अच्छा बात सुनो मेरी इलियास भाई एक दफा ना गांव में बिजली चली गई ठीक है आए ना 24 घंटे गुजर गए आए ना बिजली आई भी नहीं लोग मुझे बाहर निकाल के ले आए मैंने पूछा हाँ भाई क्या हुआ क्यों निकाल के ले आए कहते हैं सर जी रोशनी नहीं है अच्छा आप बाहर गए तो रोशनी रोशन हो गया हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ